हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आर चैनल अजब गजब इंग्लिश एंड टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द पोएम फ्रॉम आर फर्स्ट फ्लाइट बुक एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ द बॉल पोएम तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर पोएम में क्या है एक बॉय है एक छोटा सा बच्चा है जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है ठीक है एक बच्चा है जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही इज़ वेरी अपसेट और आप देखो एक बॉल जिसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है दस रुपए बीस रुपए की एक छोटी सी बॉल है बट फिर भी वो जो लड़का है जो छोटा सा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है तो इस पोएम में हम ये रीज़न ढूँढेंगे कि उस बच्चे का जो अपसेट होने का एक्चुअल रीज़न है ना वो क्या है तो लेट्स बिगन मैं इस पोयम को अच्छे तरीके से आपके सामने डिस्क्राइब करूंगी जितने भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उसे समझाऊंगी जितने लिटरेरी डिवाइस हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे तो चलिए इस पोएम को हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं वट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल वॉट वॉट इज ही टू डू आई सॉ इट गो मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरली ओवर देयर इट इज़ इन द वॉटर सो इन द फर्स्ट फोर लाइन देखो क्या कहता है जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि वॉट इज द बॉय नाउ कि वो जो छोटा सा लड़का है ठीक है वो अब क्या करेगा जिसने जिसकी बॉल जो है या जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है ठीक है फिर वो क्या कहते हैं वॉट इज़ ही टू डू फिर वो इस चीज़ पे इम्फेसिस डालते हैं स्ट्रेस बता रहे हैं स्ट्रेस डालकर कह रहे कि वो चाइल्ड ठीक है जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है वो अब क्या करेगा क्योंकि उसने देखा है क्या देखा है कि उसकी जो बॉल है वो उछलती हुई खुशी खुशी ठीक है स्ट्रीट में धीरे धीरे रुड़कती हुई ठीक है ना आपको पता है जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बाउंस करते हुए इस तरीके से जाती है ना तो उसी तरीके से कि वो जो बॉल है वो बहुत ही बाउंस करते हुए खुशी खुशी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पे चली गई वाटर में जाकर चली गई तो आई होप कि आपको पहले चार लाइन अच्छे से क्लियर हो गया पहले चार लाइन में क्या है जो पोएट हैं ठीक है थीके? जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि वो लड़का वो जो चाइल्ड है जो बॉय है वो अब क्या करेगा जिसकी बॉल जो है गुम हो गई है ठीक है और उसने खुद ही अपने बॉल को देखा है क्या देखा है कि मेरी जो बॉल बॉल है वो बाउंस करते करते धीरे धीरे कहाँ चली गई वाटर में चली गई नो यूज़ टू से Oh, there are other balls. An ultimate seeking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his wall. बैन्ट अब देखो इन सभी लाइनों में क्या कहते हैं इन सभी लाइनों में जो पोएट है वो हमें कहते हैं कि अगर हम बच्चे को कंसोल करना चाहें ठीक है उसे दिलासा देना चाहें कि अरे कोई बात नहीं ठीक है कि देयर आर अदर बॉल इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे बॉल है अगर एक बॉल गुम हो गई कोई बात नहीं हम नया बॉल खरीद लेंगे तो ऐसा कहना कोई भी मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा कहना टोटली ही यूजलेस है क्यों यूजलेस है क्योंकि वो जो लड़का है जो बच्चा है जिसने अपनी बॉल को गुम हो गया उसका बॉल वो बहुत ही ज्यादा सैड है ठीक है और इसकी वजह से वो क्या हो गया है उसकी जो बॉडी है वो भी कांप रही है ठीक है ट्रैवलिंग का मतलब होता है कांपना और वो रिजिड हो गया पूरी तरह से एकदम से आपको बोलते हो ना कि फ़िक्स हो गया वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है ठीक है और वो कंटिन्यूसली डाउन देख रहा है मतलब आप उस जगह को देख रहा है जहाँ उसकी बॉल जो है वो गुम हो गई और बॉल कहाँ गई है हार्बर में हार्बर क्या होता है जहाँ से पानी स्टार्ट होता है जो वाटर पॉइंट होता है ना उसे बोलते हैं हार्बर तो अब देखो इन सभी लाइनों में जो पोएट है वो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम बच्चे को कंसोल करें ये कह के कि अरे कोई बात नहीं अगर एक बॉल लॉस हो गई तो कोई बात नहीं हम नया बॉल ख़रीद लेंगे तो ऐसा कहना बिल्कुल ही यूज़लेस है क्यों क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो जो बच्चा है जो लड़का है जो छोटा सा बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया है एंड उसकी वजह से वो बिल्कुल फ़िक्स हो गया है उसके हाथ पैर काँप रहे हैं और वो कंटिन्यूसली किसकी तरफ़ देख रहा है वाटर पॉइंट हार्बर की तरफ देख रहा है जहाँ पर उसकी बॉल well <laughs> चली गई है और ऐसा लगता है कि उस बॉल के साथ उसकी यंग डेज उसकी चाइल्डहुड हुड की मेमोरीज भी है ना वो भी पानी में चली गई है एक्चुअली यहाँ पर बाल बॉल की नहीं है बल्कि क्या है कोई भी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हो और अचानक वो चीज़ गुम हो जाती है तो ये मैटर नहीं करता है कि वो कि उसकी कीमत कितनी है वो दस रुपए की है बीस रुपए की है कितने की कीमत है वो मैटर नहीं करता है हमारी जो अटैचमेंट्स होती हैं हमारी जो फीलिंग्स होती हैं ना वो मैटर करते हैं इसी वजह से जो पोएट हैं वो हमें सीधा कह रहे हैं कि अगर अगर हम ये कहें कि कोई बात नहीं हम और बॉल खरीद लेंगे तो यह टोटली यूजलेस है क्योंकि उसके यंग डेज उसकी चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है ना वो इस बॉल के साथ अटैच थी आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हेम डाइम अनादर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसिस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल बॉल विल भी लॉस्ड ऑलवेज लिटिल बॉय अब देखो इन सभी लाइनों में जो हमारे पोएट हैं वो हमें क्या कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब इस लड़के की बॉल गुम हो गई है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड है तो मैं उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगा मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि अ डाइम डाइम क्या होता है टेन सेंट जो यूएस की करेंसी है ना जैसे हमारे टेन पैसा होता है ठीक है उसी तरीके की टेन सेंट को हम बोलते हैं वन डाइम ठीक है कि जो बॉल है उसकी कॉस्ट क्या है वन डाइम है मतलब क्या है टेन सेंट है और इससे हम अनदर बॉल भी खरीद लेंगे ठीक है तुम टेंशन मत लो ऐसा कहना बिल्कुल ही यूजलेस है ठीक है मतलब अगर मैं बच्चे को ये कहूँ कि अरे जो बॉल है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम है कोई बात नहीं हम नया बॉल खरीद लेंगे तो ऐसा कहना टोटली यूजलेस है क्यों यूजलेस है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ठीक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पोजेशन का मतलब क्या होता है ओनिंग थिंग कि हमारे पास घर है गाड़ी है चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है थीके? तो आज जो ये बच्चा है उसने पहली बार अपनी उसकी कोई चीज़ गुम हुई है ठीक है तो अगर हम उसे ये कहें कि अरे कोई बात नहीं हम कोई नया बॉल खरीद लेंगे तो ऐसा कहना बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस है क्यों क्योंकि इस टाइम वो पहली बार ठीक है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि कोई चीज़ हमारी होती है और वो धीरे धीरे लॉस भी हो जाती है ठीक है पीपल विल टेक बॉल बॉल विल बी लॉस्ड ऑलवेज लिटिल बॉय और वो क्या कह रहा है कि जो लोग हैं ठीक है थीके? जो लोग हैं वो चीजों को खरीदते हैं यहाँ पे बॉल और बॉल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गेंद यहां पे सिर्फ खेलने वाली बॉल की बात नहीं हो रही है हर वो चीज़ की बात हो रही है जो चीज़ हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं ठीक है कि कुछ चीज़ें हम खरीद के लाते हैं कुछ चीज़ें लोग हमसे ले लेते हैं ठीक है या कुछ चीज़ हमसे टूट जाती है कोई चीज़ हमसे गुम हो जाती है ठीक है तो ये क्या है ये नेचुरल है ये नेचुरल है और इस चीज़ को ये जो बच्चा है वो पहली बार जो है वो सीख रहा है तो जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि अगर मैं अभी आके बच्चे को इंटरप्ट करूँ ठीक है और उसे दिलासा दूँ उसे सिम्पति दूँ तो वो टोटली यूज़लेस है क्योंकि इस टाइम वो जो बच्चा है वो कुछ सीख रहा है सीख रहा है किस चीज़ को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई चीज़ मेरी है मुझे उसकी केयर करनी है ठीक है और कोई चीज जब लॉस्ट हो जाती है तो उसे पेन हो रहा है उन सभी चीज़ों को जो ये बच्चा है वो पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सब चीज़ों को सीख रहा है तो इसके लिए ये बहुत ही अगर आप कहो तो टोटली तो यूजलेस है अगर हम उसे कहें अरे हम कोई नया बॉल खरीद लेंगे क्योंकि यहाँ पर बात पैसों की नहीं है बल्कि किस चीज़ की है इमोशंस की है and no one buy a ball back money is external he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नो वन बाय अ बॉल बैग कि एक बार जो चीज़ हमसे गुम हो जाती है कोई चीज हमसे दूर हो जाती है उस चीज़ को हम दोबारा नहीं खरीद सकते क्यों क्योंकि मनी एक्सटर्नल है मनी से आप चीज़ों को खरीद सकते हो लेकिन वो जो फीलिंग्स है ना उसे आप नहीं खरीद सकते तो अभी जो ये लड़का है वो लर्न कर रहा है क्या लर्न कर रहा है अपने डेस्परेट आइज से जो उसकी आइज है उसमें होपलेस है क्यों उसकी बॉल गुम हो गई उसकी इसी वजह से उसकी आंखों में क्या है होपलेसनेस चुकी है तो उस जगह पे उस सिचुएशन में वो लर्न कर रहा है एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है का मतलब है नॉलेज नॉलेज ऑफ लॉस कि अगर कोई चीज आपसे गुम हो जाती है तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल करना है कैसे अपने आप को समझाना है और दोबारा खड़े होना है हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी वैन मस्ट नो वन डे अब यहाँ पर जो poet हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो उस चीज़ को सीख रहा है कि किस तरीके से अगर कोई चीज़ हमसे गुम हो जाए तो दोबारा खड़े होना है अपने आप को संभालना है क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में इस धरती पे जितने भी लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी इस सिचुएशन को फ़ील किया है इस सिचुएशन को हैंडल किया है और उन्होंने सीखा है कि किस तरीके से हमने अपने आप को हैंडल करना है और कई लोग वो हैं जो इस चीज़ को अभी भी सीख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पोएम में चीज़ें क्या बताई जा रही हैं कि सिर्फ मनी मनी से आप चीज़ों को तो खरीद सकते हो ठीक है मनी से आप चीज़ों को खरीद सकते हो बट आप इमोशंस को नहीं खरीद सकते दैट इज़ वॉट मनी इज एक्सटर्नल ठीक है आप मनी से सामान खरीद सकते हो थिंग्स को खरीद सकते हो बट इमोशंस नहीं खरीद सकते और इसी की वजह से अगर हम बच्चे को ये कहेंगे हम नया बॉल खरीद लेंगे तो वो टोटली totally यूजलेस है देखो इस पर्टिकुलर पोयम में हमें क्या पता लग रहा है कि एक छोटा सा बॉय है जिसकी बॉल जो है वो लॉस हो गई है ठीक है और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा साड है क्योंकि उसकी उसकी बॉल जो है बाउंस करती करती कहाँ चली गई वॉटर में चली गई और अगर हम बच्चे को ये कहें कि अरे तो कोई बात नहीं हम नया बॉल खरीद लेंगे तो वो टोटली क्या है यूज़लेस है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो दुखी है जो चाइल्ड है बहुत ज़्यादा दुखी है वो काँप रहा है वो रिजिड हो गया है ठीक है और कंटिन्यूसली कहाँ देख रहा है हार्बर में देख रहा है जहाँ पर उसकी बॉल गुम हो गई हार्बर क्या होता है वाटर पॉइंट ठीक है जहाँ से वाटर स्टार्ट होती है उसके बाद क्या कहता है जो पोएट है वो कहते हैं मैं उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहता इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे ये कह के कि जो बॉल की कॉस्ट है वो बहुत ही कम है और हम नया बॉल खरीद लेंगे क्यों क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ठीक है कि जो हम इस दुनिया में जो चीज़ें हैं ठीक है ठीके? वो आती जाती रहती हैं हम चीज़ों को खरीदते हैं वो चीज़ें लॉस्ट हो जाती है जब हम कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं तो उसकी तरफ हमारा कुछ मतलब आप ये सब कह सकते हो कि जब हम कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं तो उसकी तरफ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं ठीक है ठीके? बट वो चीज़ लॉस्ट भी हो जाएगी जो भी चीज आई है तो ये जो चाइल्ड है वो फर्स्ट टाइम जो है इस चीज को समझ रहा है क्या समझ रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस ठीक है और यहां पे एक चीज और कही गई है कि मनी जो है वो टोटली एक्सटर्नल है क्यों एक्सटर्नल है क्योंकि मनी से हम चीजों को ओन तो कर सकते हैं चीजों को परचेज कर सकते हैं बट उससे हमारे इमोशंस कभी नहीं खरीदे जा सकते तो इस पर्टिकुलर जो पोयम में हमें यही बताया जाता है कि जो हर इंसान ठीक है जो हर इंसान इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है उसने कभी ना कभी इस सिचुएशन को आ, समझा है कि हाँ जी उसकी जो प्यारी चीज है वो उससे दूर हो गई तो उसने अपने आप को संभाला और दोबारा स्टैंड किया है तो यही है इस पोएम में छोटी सी पोएम है एक बॉल के आ, बॉल को एज अ मीडियम यूज़ करके जो पोएट है उन्होंने बहुत बड़ी बात हमसे कही है कि जो लाइफ में लॉस तो परमानेंट है कि कोई भी चीज़ है कोई भी चीज़ आपके लाइफ में परमानेंट नहीं रहेगी ठीक है जो चीज़ आप लेकर आओगे वो गुम हो जाएगी टूट जाएगी हर चीज़ के एक एक्सपायरी होती है ठीक है यहाँ तक तो ह्यूमन बींग्स भी आपको पता है जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा हम लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर जो बॉल है वो एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है ऑफ ओनिंग्स एवरीथिंग जिस चीज़ से भी आप अटैच्ड हो ठीक है जिस चीज़ से भी आप अटैच हो जो भी चीज़ आपकी पोजेशन है हर चीज़ के लिए और अल्टीमेटली जो पोएट है वो ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ को समझें कि जो लॉस है ना वो लॉस है और लॉस जो है वो परमानेंट है हर एक की लाइफ में होता है हर एक ने कोई ना कोई चीज़ गुम करी होती है खोई होती है कोई चीज़ उसे कोई चीज़ कोई इंसान छीन लेता है तो उस चीज़ को लर्न करना चाहिए और वहाँ से दोबारा स्टैंड करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे ना हम स्टेप बाई स्टेप सीख लेते हैं छोटे होते से ही इस चीज़ों को हम सीखना शुरू कर देते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम चलिए तो अब हम लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस कर लेते हैं जो इस पोएम में यूज़ करी गई है तो द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज हेयर इज एनाफोरा एनाफोरा क्या होता है जब दो कन्जिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा अब यहाँ पर देखो जो फर्स्ट लाइन है वॉट और सेकेंड लाइन वर्ड दोनों लाइन जो है बिगिन हो रही है विद द सेम वर्ड ठीक है तो यहां पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है एनाफोरा इसी तरह से आप अगर थर्ड और फोर्थ लाइन भी देखो तो यहां पर भी कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है एनाफोरा यूज करी गई है नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज हेयर इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के बिगनिंग में ठीक है जो फर्स्ट एल्फाबेट है अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं एलिट्रेशन यहाँ पर देखो आप बाय अ बॉल बैक ठीक है यहाँ पे ब साउंड ठीक है यहाँ पे ब साउंड जो है ये देखो फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो तीनों ही वर्ड्स का क्या है बी है बी है मतलब ब साउंड का यूज़ किया गया है कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है और फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसका साउंड क्या है कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है एलिट्रेशन नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज़ हेर इज़ रेपिटेशन रेपिटेशन क्या है रेपिटेशन क्या होता है जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं इन द पोएम टू गिव स्ट्रेस तो उसे क्या बोलते हैं रेपिटेशन अब यहाँ पर देखो वॉट वॉट यहाँ पे वॉट जो वर्ड है उसको रिपीट किया गया है ताकि हम स्ट्रेस दे सके तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे रेपिटेशन डोंट बी कन्फ्यूज़ अगर दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन स्टार्ट होंगे विद द सेम वर्ड तो उसे हम बोलेंगे एनाफोरा और अगर दो सेम वर्ड ठीक है रिपीट हो रहे होंगे इन द सेम सेंटेंस तो उसे हम क्या बोलेंगे रिपीटेशन uh, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो बॉल और बॉल यहाँ पर बॉल जो वर्ड है उसको दो बार यूज़ किया गया है टू गिव स्ट्रेस ऑन इट आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे वर्ड मीनिंग क्लियर हो गए होंगे जो भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो अगर आपको लगे कि आपने यहाँ पर आकर मेरे चैनल पर कुछ सीखा कुछ आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हुआ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो मच